अमीन अमीन आओ खुदा दे कलामल वदिए। मैं रात इतनी मैं 2 बजे तक मैं चर्च के सामने प्रे कर रहा सब और मैं रात प्रे कर रहा सा खुदा तेरे बच्चों ने तेरे कलाम लिए आना है खुदा ऐसिया गल्लां दे जिहड़ियां साढ़े सारिया के बदल नहीं होन। मैं कभी बहुत बहुत घट इंज कभी हुई नहीं कि मैं मैसेज लिख के देव लेकिन इन्ह दिन मैं जो तो रात 12 बजे तो शाम 5 बजे तक प्रे चेना तो खुदा मनु कुछ चीज़ा कहें लिख लै नोट कर लै और क्योंकि वह चीज़ा खुदावन कहें इसलिए मेरे लिए वह चीज़ा लिखना बहुत ही अज मैं जो तो प्रे कर रहा मैं कोशिश कर रहा कि मैं बाइबल चो प्रे करा अ जो तो मैं प्रे कर रहा और प्रे के दौरान जो तो मेरी लास्ट प्रे थोड़ी 10 मिनट रह गई तो मैं मत्ती दीजिए 10 बाब वो 7 आयत कढ के तो मैं इंज बाइबल अगे रख के अपना इंज सिर उपर रख के तो मैं रोना शुरू कर दिता और मैं रो के प्रे कर रहा कि खुदा ए कलाम मेरी जिंदगी पूरा हो वे। और मैं प्रे कर रहा कि खुदा ए कलाम मेरी जिंदगी गुलफाम अपना मोबाइल LED ना अटैच करके दे दो मैं खुदा ने मैं एक गल दसी सिर्फ यही नहीं बल्कि जो तो कलाम तेरे अंदर मेरिया गल्लां तेरे अंदर होनगियां तो यह भी कलाम तेरे अंदर पूरा क्योंकि बाइबल है जो तेरे अंदर होएगा उही बार और असं जानते हैं मसीही यह चीज़ जानते हैं कि दुनिया के जो कुछ भी बनया वो कि बनया कलाम वो नहीं जो असी किया कलाम जो खुदा करता है और उ कलाम जो साढ़े अंदर होएगा और साढ़े अंदरों जो निकलेगा साढ़े लफ्जा के साडे साढ़े अंदर होएगा साढ़े इख्तियार जो तो निकलेगा अज भी कलाम उ ताकत रखता है जो तुम बोलते जाओगे कलाम च उ चीज़ा उदाहरण मैंने गल दसी कि बहुत सारे लोग प्रे करते हैं कि खुदा तू मेरी जिंदगी नज़र आ तू मेरी जिंदगी बड़ी बड़ी मजे वाली गल खुदा ने मोस्टली तुम लोगों की प्रेयर सुनी होगी खुदा मेरी जिंदगी चलता फिरदा नज़र आ खुदा मेरे बच्च टुरदा फिरदा नज़र आ असल अपने बच्चे की करते हैं मेरे सुनो खुदा ने मैंने एक गल दसी कदों नज़र आएगा रोंग अगर ताड़ी लाइफ च खुदा का कलाम प्रैक्टिकल तौर पर ताड़ी जिंदगी नज़र नहीं आता खुदा कभी भी नज़र नहीं आएगा ताड़ी लाइफ मैनू देना है मैं कह दिया लाख मैं दे दो गौर ने समझना खुदा ने मैं चीज़ा ताडे खास मैं खुदा ने बोल के दतिया ताडे हूँ खुदा का ताड़ा कनैक्शन किंज है और ये दरम्यान जो कलाम है वो किंज है किंज असी कलाम लैना जिस तरह यह मोबाइल है मेरे को गौर ने देखा जे इस मोबाइल से केड़ा केड़ा नैटवर्क शो हो रहा है केड़ा केड़ा जोंग टेलीनार हुण MSM ऑफ कर छड़ीए हुण केड़ा केड़ा शो हो रहा है इस कनैक्शन नू शो कौन करन रहा सी जिहड़ा टावर लगा है अगर टावर सिग्नल ना दे ते कनैक्शन कदी भी शो हो और टावर दे नाल कनैक्शन किदा बनया
ਆਉਣ ਸਿੰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਿੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਆਉਣ ਸਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਸਿੰਮ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਟੁਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਮ ਡੈਡ ਏ, ਸਿੰਮਾਂ ਔਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਏ। ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਕੌਣ ਏ? ਟਾਵਰ ਕੌਣ ਏ? ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਔਫ ਕੀਤਾ, ਡੈਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡੀ? ਹੁਣ ਔਫ ਅਤੇ ਡੈਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ? ਹੁਣ ਗੋ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸਿੰਮ ਹੈ ਵੇ, ਗੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਮ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਿੰਮ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਮ ਵਾਂਗੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਮ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਮਤ ਹੈ ਪਰ ਡੈਡ ਏ। ਔਰ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡ ਸਿੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਡੀ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਆਉਣ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਸੇਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿੰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੂਹੀ ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਟੈਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਟਾਵਰ ਜ਼ੋਂਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਮ ਜੈਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੈਜ਼ ਦਾ ਟਾਵਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣਗੇ? ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ? ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਆਦੀ ਕਲਾਮ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬਤਾ ਬਗੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਗਨਲ ਆਉਣ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਡੀ ਮੈਨੂੰ? ਪਰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਮੂਡ 'ਤੇ ਲਾਛੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮੂਡ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਮ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ
खुदा दे नाल मसीहां दी गल करने, बड़ी बड़ी देर तो मसीह खुदा दे नाल चलन डे ने, असीं उन्हां दीआं दुआवां भी देखने आ, पर ओ दुआवां दे मुताबक जिस तरह बाइबल मुकद्दस दसदी है उंज दी ब्लैसिंग उंज दे काम उन्हां दी लाइफ च नज़र नहीं आउंदे। रीज़न की वो सीमा ते है ने पर फ्लाइट मूड ते लगियां ने, इसलिए उन्हां दा टावर दे नाल कोई राबता नहीं, कोई सिग्नल नहीं आता, इसलिए पता ही नहीं लगता करना की है, और कनैक्शन उन्हां दी लाइफ चो नज़र भी ताड़ी लाइफ च आन उदो होएगा, ताड़ी लाइफ च कम उदो करेगा जो तुसी प्रैक्टिकल करोगे। जे ताड़ी लाइफ च प्रैक्टिकल नहीं, उदाने कहा जे ताड़ी तेरी लाइफ च प्रैक्टिकल नहीं होएगा। मैं पिछले दो दिन तो इंज ही हो रहा है, जो तो मेरी लास्ट प्रे 5 बजे तो 10 मिनट रेंदे ने, मैं बाइबल पढ़ लेना, और बाइबल पढ़ के मैं रो रो के प्रे करना कि खुदा तेरा कलाम मेरी जिंदगी च पूरा होवे, तेरा मैं कभी तेरे तो जुदा ना होवां। तो खुदा ने मैं दसिया कभी भी नहीं हो सकते तू तो मैं जुदा, तेरा मेरा कनैक्शन कभी नहीं टुट सकता, तेरा मेरा कनैक्शन उदों टुटेगा जदों तेरी जिंदगी मेरे कलाम के मुताबिक। तुसी जिहड़ा कलाम सीखते हो, बहुत सारे लोग कलाम सीखते ने सिर्फ अपने नॉलेज लई या दूसरियां नाल सवाल जवाब करन लई, लेकिन सुनो ब्लैसिंग वो बंदा लेंदा है जिहड़ा कलाम सीखता है आप बचन लई ते दूसरियां नूं। अगर तुसी इंज नहीं लवोगे कलाम नूं, खुदा दा कलाम कदी ताड़ी लाइफ च कदी भी काम नहीं करेगा। मैंने जदों दादा पाक उन्हें चीज़ें दस रहा है, मैं बड़ी ही गौर दे नाल, बड़ी गौर दे नाल मैं उस टाइम प्रे तो बाद फौरन मैं मोबाइल दे विच रिकॉर्डिंग कर ली अपनी आवाज़ दे नाल गल्लां जिहड़ियां खुदा ने दसियां। मैं कि मैं इन्हां चीज़ों नूं भुल्लां ना, कदी भी ना भुल्लां जिहड़ियां गल्लां मैनू खुदा पे दसदा। खुदा ने कि इंज ही समझ लै कि तेरे अंदर है सिम वांगू इक, और जिथे भी यह सिम होएगी उत्थे ही मेरे सिग्नल पहुँचेंगे। है वेलो ताड़ा अगर कनैक्शन हो, मिसाल के तौर पर ताड़े चो मेरा कोई बच्चा गुम हो जाता है, गुलफाम ही गुम हो जाता है, अगर ये सिम आने तो मैं इनू लभ सकना वा, पर जिथे फ्लाइट मूड दे ला देगा मेरे लभना। मेरी गल समझ आ रही, मुझे तो पता होगा कितने जा रहा है की कर रहा है। सेम ऐसे तरह ही ताड़ा खुदा है, ऐसे तरह ही ताड़ा खुदा है, और ए आन कदों होगी जो तुम प्रैक्टिकल करोगे। बाइबल कदों मेरे ना कड़ी लुका दी जी, ए खास खास पॉइंट मैं जो खुदा प्रे च दे रहा है ताडे सारियां लई, दाने मैं बोल के कहा कि मैं ताडे नाल चीज़ां शेयर करा। मुकद्दस लुका दी जी 14 बाब उसकी 25 आयत खुदा के कलाम से देखेंगे, गौर ना सुनिएगा। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहुओं बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कि अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सुनो हुण ए कनैक्शन आन कदों होएगा, जदों मैं इस चीज़ नूं इस गल नूं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ च लियावांगा। हरगिज़ खुदा हुंदा है मतलब नहीं कि खुदा कहिंदा कि तुसीं अपने माँ बाप नूं छड्ड दिओ, कदी नहीं, क्योंकि उन्हें दसा हुक्मां च इक हुक्म दित्ता कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर ते मैं तेरी उम्र जमीन ते दराज करांगा ताकि तेरा भला होवे। हुण इत्थे जिहड़ी गल खुदा करे, अगर कोई मेरे पास और अपने बाप और अपनी माँ और अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपने भाइयों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इतने खुदा कहना की जाता है अव्वल दर्जा। बाइबल का दसो तुम पहले चैप्टर तो एंड वाले चैप्टर तक पढ़ के देख लो, अहद अतीक जदीद दोनों पढ़ के देख लो, जदों खुदा इंसान तो नाराज होया इस गल तो होया कि जदों कोई इंसान किसी होर नूं खुदा की जगह दे देता है, खुदा उदो उस इंसान के नाल नाराज हो जाता है और खुदा उसकी जिंदगी चो चला जाता है। और हर रिश्ते दे विच यही फीलिंग है, हर रिश्ते दे विच यही, बीवी भी एक होंगी है, माँ एक होंगी है, प्यो एक होंदा है। अगर मैं माँ किसी और नूं बना लाँगा और अपनी माँ नूं इग्नोर कर दाँगा मेरी माँ मैनू छड्ड देगी, अगर मैं अपनी
बीवी की जगह किसी होर नू बीवी बना लांगा तो मेरी बीवी मेरे तो की हो जाएगी। ऐसे तरह जेड़ा रुतबा जेड़ा मुकाम खुदा लाए खुदा कदी भी नहीं चाहता कि तुसी किसे नू भी वो मुकाम हो। मेरा माँ बाप क्योंकि मैं खुदा कहते माँ बाप की इज्जत कर मैं करांगा पर जिते गल आ जाए मेरे खुदा दी नो मैं खुदा दी गल नू कदी भी रद्द कदी नहीं करांगा। और असी खुदा दी गल क्यों पूरा करना है मैं मेरे मोबाइल चुए मैं पिछले दिनों खुदा दे नाल एक हलफनामा मैं पिछले 3-4 दिन तो हो रहा है कि मैं एक हलफनामा लिखा मैं अपने चंद स्पिरिचुअल बच्चों सेंड भी करांगा और मैं हलफनामा तैयार किया। हलफनामे दे विच मैं होया कुछ लिख और मैं तुम दसांगा कि जाके कि वह लिखन तो बाद मैं अपने मजीद बहुत सी तब्दीलियां और बहुत सारी चेंजिज देखियां। मैं हलफनामे दे लिखिया कि ए खुदा मैं तेरा खादम पास्टर शाद मैं वादा करना कि आखिरी सांस तक मैं तेरे काम नू करदा रहांगा और जो तू मैनू देगा वह तेरे काम लई होएगा और मैं अपने दुश्मनां लई दुआ करांगा मैं अपने सतान वालियां नाल मुहब्बत रखांगा झूठ नहीं बोलांगा लालच नहीं करांगा झगड़ा नहीं करांगा हमेशा तेरी मर्जी नू पूरा। मैं हलफनामे दे तौर ते एक चीज़ लेके ओ मैं अपने मोबाइल वॉलपेपर स्क्रीन ते लगा ली। खुदा ने कहा 24 घंटे है गल तेरे सामने होनी चाहिए और उस तो मैं लिखा मैं कदी तेरे खादमा के खिलाफ अपना मूँह नहीं खोलांगा कदी भी कदी तेरे खादमा के खिलाफ अपना मूँह नहीं खोलांगा। खुदा मैं अज वादा करना तेरे नाल मेरी पूरी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक होएगी। मैं अपनी लाइफ सब तो अव्वल दर्जा तेनू और तेरे काम नू दांगा मेरी एक एक साह तेरे काम लई होवेगा। और सुनो उहदे तो बाद मेरी प्रे 17 घंटे हो गई है। किन्ने घंटे 17 घंटे मैं प्रे करना रात 12 तो शाम 5 बजे तक मैं प्रे करना। और जिन्ना पास्टर्स लई थोड़ा बहुत मेरे अंदर आता है कि यार इस तरह क्यों करते हैं जिदन मैं हलफनामा लिखिया पर खुदा ने एग्रीमेंट कर लिया मेरा दिल करे मैं उन्होंने फोन करके उन्होंने पूरा अपनी मुहब्बत का इजहार करा मैं उन्होंने प्यार आना शुरू हो गया। और एक चीज़ और खुदा ने मैं दसी हलफनामा बना के मैं सिर्फ मैं अपने को नहीं रखना क्योंकि अगर सिर्फ खुदा का तो मेरा वादा और किसी इंसान को नहीं पता। नो टेंशन कोई गल नहीं बंदे कहना पता खुदा नहीं ना तो खुदा ना वेखी जाएगी जो उत्ते जाएगी बल्कि मैं अपने चंद बच्चों फोन पर दसिया भी मैं एक हलफनामा तैयार किया मैं तुम्हें सेंड करना है और जदों मैं वो तो खिलाफ चला तुम उदों ही मैंने टोकना है कि तुम साढ़े स्पिरिचुअल बाप हो तुम इस हलफनामे तो खिलाफ क्यों चल रहे हो तुम यह खुदा दे नाल वादा किया है। मैं अपनी लाइफ इस चीज़ की ब्लैसिंग देखी समझ जान रही अज क्यों ताड़े च बहुत सारे ने वादे किए खुदावंद असी इंज करांगे खुदावंद उंज करांगे भुल तुम क्यों गए क्योंकि तुम उन्होंने लिख के अपने सामने नहीं देखा और इस फीलिंग दे नाल वादा नहीं किया कि मैं अपने खुदा दे नाल वादा करन रहा वा जिहड़ा वादियां नू पूरा करन वाला और जिहड़ा वादियां दे नाल एग्रीमेंट दे नाल बरकत देने वाला खुदा है। तुम बाइबल मुकद्दस पढ़ के देखो जिन्हें नबी होए वो एग्रीमेंट दे खुदा दे नाल चलते रहे। अगर रसूल भी पतरस ने कहा खुदा मैं तेरे लिए सब कुछ छड्डिया तू मैनू की देगा खुदा ने कहा आसमान ते हमेशा दी जिंदगी और इस दुनिया ते 100 गुना ऐ की सी एक तरह का एग्रीमेंट। और तुसी उन्हां दी लाइफ च पढ़ के देखो ओ उस एग्रीमेंट दे कायम भी रहे। इकराबाजी तुसी अपना ध्यान रखो उन्हां नूं छड्ड दो तुसी सिर्फ अपनी फिक्र करो मेरी गल नहीं समझ आ रही उस एग्रीमेंट पर कायम रहे। और अज बहुत सारे लोगों के कोल ब्लैसिंग इस वजह तो नहीं रात को वो खुदा दे नाल वादा करते हैं और सुबह उठ के भुल जाते हैं असी वादा किया फिर किसी ने याद करा दिता फिर एक महीने लिए वादा कर लिया महीने बाद फिर भुल गए असी खुदा दे नाल कोई वादा फिर किसी ने याद कराया फिर इंज का बंदा
बेयकीन है और खुदा उसकी गल से यकीन नहीं करता, वो वादा करे भी खुदा इग्नोर कर देता क्योंकि खुदा को पता है यह फिरन वाला बंदा है कायम रहने वाला। तुसी जेड़े अपने खुदा ना वादे करो लिख के फ्रेम करा के जिवें अपनी तस्वीरां टंगियां होंदियां ने कि तुसी जदों तुहानू कोई जगह देंदा है तुसी किसी को जगह सेल करदे हो या देखदे हो एक एग्रीमेंट नहीं बनांदे कागज़ नहीं बनांदे कि उन्हां कागज़ां नू सुट छड्डदे हो, उन्हां कागज़ां नू तुसी बड़ा ही सांभ के रखदे हो क्योंकि तुहानू पता है एक एग्रीमेंट होया हलफनामा है। मेरी गल नहीं समझ आ रही? एक तुहाडा खुदा दे नाल एक एग्रीमेंट एक वादा सेम ऐसे तरह ही। और असं गल करने हाँ कि एक सेम वांगू तुहाडे अंदर है एक्टिव कदों हुंदा जो तुसीं इहदे अमल करदे हो। हुण बाइबल मुकद्दस च लिखिया जिथे असीं लिखने कि जिहड़ा माँ बाप है ना अपनी जान नाल भी दुश्मनी ना करे वह मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मैनूं रात एक लाहौर तो कॉल आई, शायद वह देखते हो, मैनूं कहिंदा सर मैं चाहना मैं तुहाडा फेसबुक पर देखिया मैनू बड़ी बरकत मिली, मैं तुहानूं मिलना चाहना और मैं चाहना कि मैनूं नबूवत की बरकत खुदा दे, खुदा मेरी रूहानी अखा खोले। मैं कहा सर कितनी प्रे करते हो? हुण पता सी मैनूं गलत दस रहा, कहिंदा दो तो ढाई ढाई घंटे पर इन्नी उह करदा नहीं होएगा। मैं कहा फास्टिंग? कहिंदा गर्मी करके छड्डी है। मैं कहा शाबाश तेरी। कहिंदा गर्मी करके छड्डी है फास्टिंग। हालांकि कि लिया इहदे कि लिया जिहड़ा अपनी जान नाल दुश्मनी ना करे। हुण जदों गर्मी दे विच मैनूं फास्टिंग की जरूरत है कि मैं कहांगा हुण मैं सर्दियां च करांगा जरूरत मैनूं कदों है? जदों मैनूं जरूरत ही उदों है तो मैं सर्दियों का वेट करांगा। इत्थे इह चीज़ का लिखा है कि अपनी जान नाल दुश्मनी करना मीन के जो तुहानूं पता लगता है कि खुदा कहण डिया इस करन च मेरी मौत तुहानूं लगे हुंदा नहीं, खुदा की मर्जी से जिंदगी है मौत नहीं, तुहानूं लगे कि मौत दे विच शैतान तुहाडे दिल च गा रखे तुसीं फिर भी अगे वधो पिछे ना हटो। असी यह करना है क्योंकि मनू है मेरे खुदावंद ने। अज जदों मैं लास्ट थोड़े टाइम च मेरे गोड्या ते जिवें कोई क्रैंट टाइप नहीं इंज हुंदा सी क्योंकि 2 बजे तक मैं टुर फिर के प्रे करदा रहा, 2 बजे तो बाद 4 बजे तक मैं गला रख्या सी उहदे ते प्रे करदा रहा। जदों मैं गले तो उठा मेरी एक साइड के सारे पट्टे खिंचे सन और बाद चो फिर मैं जमीन ते लेट के 5 बजे तक प्रे करदा रहा शामी। अपनी जान दे नाल दुश्मनी ना करे ओ मेरा शगिर्द। यह जिहड़ा अपनी जान बचांदा है ओनू ते जिहड़ा उहदे लई गवांदा है ओनू। शगिर्द ने अखां नींदर दे नाल भरियां ने, इस मसीह 3 वारी छाण गया उठो की करो उठो तुसीं दुआ करो। बाइबल लिया अगर बाइबल पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाती तो दुनिया के रखने लिए जगह नहीं होती। अज भी तुम किसी सुते उठा जाओ तो अगों कोई ना कोई गल करता है, वो तो सिर्फ इन्हें लिया यीशु मसीह ठान गया, अगों उन्हां दी गल्लां नहीं लिखिया होनिया। हो सकता वह भी अज के शिक्षा तुम पता तो है हूँ थके हूँ पता तो है मामू जी तुम हूँ कल भी इन्नी देर परसों भी इन्नी देर हूँ तो अखा नींदर ना भरिया ने बई वेखो हाँ तुम कल भी नहीं सुते परसों भी नहीं सुते नींदर इन्नी आई फिर बंदे नींद भी दिया तुसी कर लो दुआ अही तुहाडे नाल ही हाँ। अज सो सक रहे हैं क्योंकि जिन्नी देर तक सुनो जिन्नी देर तक उन्होंने रूल कुदस नहीं मिले शगिरदा वो डावा डोल सन शक्की सन। कितों पता लगता थोमा ने जो यीशु मसीह जी उठे उन्हें कहा जिन्नी देर मैं हाथ ना रख लवा मैं यकीन ही नहीं करना। यदा मतलब कि वो मरण तो जी उठन तो बाद भी उन्हें यकीन नहीं किया तो उदों किन्ने कु बेयकीने हो गए जो गतसमनी बाग से सुते जिन्हें उन्हें रूल कुदस पाने तो बाद यीशु मसीह की मर्जी को सीरीयस लिया जो पहलू भी उंज ही लेंदे होंगे तो जिमें यीशु मसीह गया सी बल्कि यीशु मसीह उन्हें छड़ना ही नहीं सी रहना ही नाल सी। समझ आ रही मेरी गल? मैं कहना की चाहना यीशु मसीह सिखाने ही इन्होंने चाहता है कि अपनी जान ना दुश्मनी करो गो तुहानूं नींद आ रही है तुसीं फिर भी मेरे नाल प्रे च झुको फिर भी मेरे नाल दुआ करो। यीशु मसीह का पसीना खून बन के डिग रहा सी, यीशु मसीह भी उन्होंने नाल जाहिर इंसानी बदन सी उन्होंने नाल उंज ही जागते रहे और लिखा
पत्थर ते मत्था टेक के प्रे करन दे। अज भी जो कोई प्रे करता जो एक स्पिरिचुअल बंदा होंगे इस मुसीब की जिंदगी साडे लिए रोल मॉडल है। पिछली जुमे रात मैं इंज लगे मैं नींद आ जानी है, मेरे मैं अपने बच्चों ने कहा मैं यार इट्टा लिया कदों, उन्होंने मैं इट्टा लिया के दी, मैं इट्टा तो गोडिया वल हो के गोडे तो भी इट्टा रख के 6 घंटे प्रे इट्टा करता रहा तक मैं नींद ना आए। समझ आ नहीं मेरी, मैं कहना कि तुसी उस बरकत नू लवो, इस टाइम नू सीरीयस लवो जिहड़ा खुदा ने तुहानू दिता है। अगर तुसी इस टाइम नू सीरीयस नहीं लवोगे, इस टाइम नू अगर तुसी सीरीयस नहीं लवोगे, तुसी कदी भी बरकत नहीं लै सकते। हुण यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे ना टुरे वह मेरा शागिर्द। हुण फिर की करिए, लक्कड़ दी एक सलीब बना लीए सारे। मैं क्या लक्कड़ दी एक सलीब बना लीए, ओ केड़ी सलीब है? मैं गुलफाम इधर आओ, मेरी गल समझ आ रही? इधर खड़े थोड़ा उधर हो जी। ऐ देखो, ऐ तुहाडी सलीब का एक हिस्सा है मसीह च रह के। समझ आ रही? बड़िया ने सलीब तो नठन की कोशिश की थी। एलिया ने कहा बस खुदा हुण मैनू मार ही दे, बस हुण नहीं मेरे को। खुदा ने कहा उठ रोटी खा तो 40 दिन का तैनू सफर होर करना है, तू मरन की गल कर रहा। बड़िया ने नठन की कोशिश की थी। हुण अगर तुहाडी लाइफ च एक परेशानी आती है, समझो ए वो सलीब है, लेकिन वो सलीब च ते सलीब च फर्क है। वो सलीब मौत पैदा करती, ए सलीब तुहाडे अंदर जिंदगी नू। समझ आ रही? हुण देखो, बैक उधर करो, ए देखो ए हुण तुहाडे ते एक बोझ आ गया। हुण शैतान करेगा की? और ना सुनिया जी, शैतान करेगा की? तुहाडी लाइफ च परेशानी आ गई, हुण लिखिया हल ते हथ रख के पिछे मुड़ के जिहड़ा देखदा है वह मेरे लायक नहीं हो सकता। हुण शैतान की करेगा? जिहड़ी चीज़ तुहाडे पिछे वे, यीशु ने कहा ध्यान सीधा रखना है, पर शैतान तुहाडी पिछे वाली चीज़ ते ध्यान कराएगा। क्यों? तुसी उस कलाम नू पूरा ना करो जिहड़ा यीशु ने कहा हल ते हथ रख के कोई पिछे शैतान कहेगा ए बहुत बड़ी है, ए तेरा खुदा खत्म नहीं कर सकता, ए बहुत बड़ी है, फलां को जा, तू दुआ च बैठा रहना है, तू सोचदा ही नहीं ये मतलब किवें खत्म होएगी। स्टेट फॉरवर्ड, सीधा ए सलीब है मेरी, और ए वो सलीब नहीं जिहड़ी मेरे अंदर हलाकत पैदा करेगी, ए वो सलीब नहीं जिहड़ी मैनू खटाएगी, ए वो सलीब है जिदे ते मैं फखर करना, जिहड़ी मैनू वधाएगी, मेरे लिए निजात दा सबब बनेगी और मैनू मेरे खुदा दे नाल मिला देगी, ए वो सलीब। हुण अगर तुसी इहनू इगनोर किया है, सुनो, अगर तुसी इहनू इगनोर किया है, शैतान दूजा वार तुहाडे ते करेगा, ए दूजी प्रॉब्लम तुहाडी लाइफ च लै के आएगा। समझ आ रही? केड़ी बीमारी? हुण तुहाडा ध्यान, अगर तुसी उस परेशानी च नहीं वेख्या, वो तुहाडा बीमारी वाले ध्यान करेगा, वे तैनूं की हो गया, कियां बाहां हो गया। जिवें खुदा दे लोक तसली देण लई आंदे ने, इसे तरह जिहड़े शैतान दे लोक ने वह तुहानूं बेदल करन ते डीग्रेड करन आंदे ने। नाजिया तेरी अखां बड़ियां पीलियां हो गईयां, की होए? चंगी भली रंग भी तेरा खट्टा लगता है। ना जे कोई मान ना, सही गल है, मैं भी कल शीशे के खलो के ही सोचन डी तेरा। हुण जदों तुसी जे तुसी उहदियां गल्लां च आ गए, जे तुसी उहदियां गल्लां च आ गए, तो फिर तुसी समझो कि पिछे देख रहे हो। और यीशु मसीह ने कहा जरा हल ते हथ रख के पिछे वेखदा वो मेरे लायक। और शैतान चाहता कि अगर मैं इस लायक नहीं रहा तो मैं किसे नूं भी इस लायक ना खेडांगे ना, ऐ शैतान कहता है। इसलिए साडा ध्यान पिछे कराता है। बहुत सारिया चीज़ा ने, बहुत सारी इन्ना प्रॉब्लम च इन्ना दिनों चो मैं लंघन आ जिन्हों का तुम सोच भी नहीं सकते। अगर एक नॉर्मल बंदे तो हो तो पिटे, एक नॉर्मल बंद, पर मैं किसी ना शेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैनू पता है मेरा खुदा सब कुछ करने वाला, सब परेशानियों चो कढ़न वाला खुदा है। और बिलीव करो, तुसी बिलीव करो, मेरी वाइफ तो लैके मेरे बेटे जॉयल तक सानू किसी नूं भी परवाह नहीं, इन्नी कोई सानू परवाह नहीं। क्यों? कि सानू पता है
ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲਾਕ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਕਰੇਟ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਟਣ ਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਕਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਉ? ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ? ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਬਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ? ਆਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਖਤਿਆਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੇਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਲਵੇ ਫਲਾਂ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਅਮੀਰ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਲੀਬ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਲੀਬ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਉਸ ਸੁਣੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਤਕਲੀਫ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਹਰ, ਦਾਨੀਅਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਸਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ, ਅਹਿਦੇ ਅਤੀਕ 'ਚ, ਅਹਿਦੇ ਜਦੀਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਸ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਬਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੀਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਕੁ ਸਲੀਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨਾ ਹੈ ਸੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਤੁਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
और खुदा दे पिछे टुरदे आ। अगर ताड़ी लाइफ च प्रॉब्लम आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, गुरबत आती है, ओनू खत्म करना ताड़ा काम नहीं, ओनू वेखना भी ताड़ा काम नहीं। अग्नोर करो, अनसुना करो। शैतान ताड़ी लाइफ च आकेगा, देख तू खुदा दे नाल चल रहा, तू फास्टिंग कर रहा, तू प्रे कर रहा, तेरी लाइफ च दुख, परेशानियां, बीमारी, बेरोजगारी, तू दुनिया का सब तो निकम्मा बंदा बन गया जदों का तू खुदा च आया। और उन्होंने दसो, उन्होंने कहो मैनू फखर है निकम्मा बनन दे, क्योंकि उन्हें जहान के निकम्मिया चुन लिया है कि ओ कौमां दा इंसाफ करन मेरे नाल। कलाम तुहानू सिर्फ ताड़े पढ़ने लिए नहीं दिता गया, कलाम तुहानू इसलिए दिता गया वह सवाल ने, ए वह जवाब ने जिहड़ा शैतान ताड़े नाल करदा सवाल, और तुसीं उन्हूं बाइबल चो जवाब दवो। ताड़ी सलीब बन रही है, जो तुम इन्हों चीज़ा गौर नहीं करोगे वो ताड़ी लाइफ च उंज दे लोग लैके आएगा। यह देखो कि इधर देखो, जरा कि मेरे नहीं है जी, क्यों होंगे जो दुआ करना सबू मेरे चौकी मुखालफत होंगी, जिनी दुआ करना बूटी ना लड़े उन्ना चौखा लड़ दी। सुना इनू मैं की करना है, अग्नोर करना है और कि छड़ देना है। अगर मैं पिछों देख लिया, अगर मैं पिछों देख लिया ओ मैं उदे लायक नहीं, क्योंकि उन्हें कहा जरा हालत हाथ रख के पिछे वेखदा वो मेरे लायक हूँ। शैतान साढ़े पिछे चीज़ा क्यों लैके आता, हाल उंज हुंदिया नहीं, उंज हुंदिया नहीं। जिंज ताड़ी लाइफ च उन्होंने बना के पेश करता है, जिंज ताड़ी लाइफ च उन्होंने बना के पेश करता है, उंज हुंदिया। ए देखो गुरबत, मैं अज तेरे सामने अगर है वहाँ तो जिन्या चीज़ा मैं तुम्हें दिखा रहा इन्हों सारियों चु लंघ के मैं इतने आया, और अज तक मैं कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे। अज तक पिछले दिन मैं अपने चंद स्पिरिचुअल बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेंदा, मैंने खुदा ने प्रेयर के बच्चे किया, खुदा ने कहा अज तो बाद तेरी लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम आए तू किसी ना शेयर नहीं करनी सिवाए मेरे तो, ऐ तू मेरी इंसल्ट करना है, लोग सोचेंगे मेरे ना चलता है तो परेशानी, तो तू किसी ना शेयर नहीं करनी, और मैं इतों तक असी दोवें जी किसी ना भी शेयर नहीं करते कोई भी प्रॉब्लम होए साढ़े खुदा नू या मनू या मेरी वाइफ नू या मेरे बच्चों नू पता होंदा, और किसी नू भी पता है। शैतान ताड़ी लाइफ टोटल है चीज़ा, टोटल है चीज़ा ताड़े रोकन लई, ताड़ा ध्यान पिछे कराने लई, तुसी अपने खुदा दे बुड़ बढ़ाओ, इसलिए ताड़ी लाइफ च आउंदियां ने। तुसी बाइबल मुकद्दस देख लो, जदों खुदा ताड़े ते फखर करेगा शैतान उदों रोएगा। खुदा ने अयूब ते फखर किया, खुदा ने कहा देख मेरे बंदे अयूब, लो जमीन दे के उंज दा रास्तबाज है, उन्हें कहा एवं नहीं तू सब कुछ दे के उहदे चगिर्द बाड़ ला छड़ी है, और उहनूं इन्ना कु वधाया दे कि उहदे जिड्डा कोई अमीर बंदा कोई नहीं। खुदा ने कहा सारियां चीज़ां जा तेरे अख्तियार च ने ले लै, और बाइबल कहते दादी जो जो दी लाइफ चो जांदा रहा उन्हें एक चीज़ वाल भी पुछो मुड़ के नहीं देखा। अयूब दी किताब कढ़ो ना बच्चों, समझ आ रही है खास ताडे लई, खुदा ने मैनू कहा बोल के कि मैं बच्चों के नाल शेयर करा। अयूब पहला बाब हुण सुनो, अयूब दे कोल अयूब दे सत बेटे ते तीन बेटियां सन, लिखा उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट थे। हुण जदों उन्हूं मैसेज आया कि तेरिया 7,000 भेडा मर गई ने, हाय मनो की बन गया मेरिया भेडा नू किसे कुछ कर छड़िया, इंज क्या उन्हें है मेरे सहुरे जो कि तवीत किए हो सड़ते होंगे मेरे तो ऐसा है नहीं। और फिर सुनो एक नहीं, अज एक नहीं सना ते सना आया, फाइनल सना आया कि तेरे बच्चे मर गए ने, उन्हें फिर भी पिछों मुड़ के नहीं देखा, उन्हें क्या खुदा तू दिता तू ले तेरा ना सलीब चुकी है, सलीब दुख नू उधार कर दिए। यीशु मसीह का कहना मतलब कि अगर तुसी दुख च रह के मेरे पिछे नहीं टुरदे ते तुसी मेरे शगिर्द हो सकदे। ताड़ी मां वेख के सलीब सुट दे, ताड़ा बाप कवे सलीब सुट दे, बहुत बहुत मुश्किल काम है, ताड़ी वाइफ ताड़े बच्चे ताड़ी बहू, उन्हें क्या कोई भी कवे तुसी मन्नू अजीज रखना है, मैं तुहानू क्या सलीब चुक के टुरना है,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ। ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਵੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਸੁਣੋ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੂਨ, ਇੱਕ ਬਲੂਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੂਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੋਝ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਡੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਵੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ 70 ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਫ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਖੇਡਦੀ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੁੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਲਣ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੁਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਗਿਰਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਡਾਂਟੋ ਉਹਨੂੰ, ਝਿੜਕੋ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਚਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਉਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਖਰਕਣਾ ਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਲਟਾ, ਚਾਰਾ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਛਾਂਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਟਾਂਗੇ ਕੇ ਜੁੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
पर जदों घर लिया के टांगे चो कढ दिता जांदा उन्हां दी अखां तो ला दिता जांदा सिर्फ जौन दे दौरान ही क्यों पाया जांदा तां कि जदों मैनूं किसी राह दे टोरां किसी राह च पावां असीं किसी सफर दे तुरीए ते सिर्फ इहदा टारगेट इहदे सफर वल होवे इहदी मंजिल वल होवे इर्द गिर्द दीआं चीज़ां नूं वेख के रोक ना जावे इदू उहदे इह चीज़ां सिर्फ उहनूं स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आंदा सैडां तों नहीं नज़र आंदा जिधर नूं मालिक उहदी धौण घुमा दिंदा है उधरों ही नज़र आंदा दूजी सैड तों उहनूं कुछ भी नज़र सेम तुहाडा खुदा भी है जी सेम ऐसे तरह और साडा सफर जिन्हें तुसीं तुर पए आ जुप गए आ ऐ आसमान की बादशाही तक जाना है जिनी देर तक असी दुनिया दे आ साडा सफर जारी है और उन्नी देर तक असी अपनी अखां ते पाए रखना है ये उही चीज़ यशवा नूं खुदा ने कही सी अखां ते पाण वाली ना दाएं वेख ते ना ही ना ना दाएं मुड़ी ना बाएं ते जो कुछ इस किताब ने लिखिया है उहदे ते अमल करी मीन कि उहदे ते चलदा रही तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह अज लोग बड़िया बड़िया बरकत मान रहे खुदा तू मेरी जिंदगी च नजर आ मेरे बिच तुरदा फिरदा नजर आ किवें नजर आए जिनी देर तेरे अंदरों प्रैक्टिकल कलाम नहीं नजर आना खुदा कितों नजर आना खुदा से उदों नजर आएगा जो प्रैक्टिकल ताड़ी लाइफ च अगर सुनो तो अगर तुम प्रैक्टिकल अपने लाइफ से कलाम ले लिया सिर्फ पढ़ते हो और पढ़न तो बाद बहुत सारे अनगिनत मुसीब बेटिया तो बेटिया के अंदर यह गल बह गई है सानू दसिया भी सिर्फ बह जाता डेली उठ के एक चैप्टर पढ़िया करो खुदा बरकत देगा सुबह उठ के एक चैप्टर पढ़ना अगले दिन वेट करना खुदा ने बरकत नहीं दी थी सिर्फ पढ़न के नाल बरकत नहीं जेडे लोग बाइबल सिर्फ पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नहीं करते उस बेवकूफ बंदे को ने जिन्हें एक वड्डी बिल्डिंग का नक्शा बना लिया इट्टा नहीं मंगवाइया सीमेंट नहीं मंगवाया सरिया नहीं मंगवाया डेली उस जगह पर जाके नक्शा पढ़ता इतने दरवाजा होना है इधर है कमरा होना है किन्ने दिन च बिल्डिंग बनेगी किन्ने दिन च इमारत बनेगी क्यों उन्हें नक्शा तो पढ़िया उन्हें नक्शा पढ़िया नक्शा पढ़ लेने जो नक्शे च दसिया जाता वह चीज़ों का भी रखना अगर नक्शे च क्या कि इतने दरवाजा होना है तो दरवाजा लिया मेरा काम है अगर नक्शे च क्या गया इतने इन्ना सीमेंट लगना है तो लिया मेरा काम है अगर नक्शे च दसिया गया इन्ना सरिया लगना है तो उन्होंने लिया अगर नक्शे च दसिया गया ये तो इन्नी देर है जगह कुटी जाएगी तो उन्होंने कुटना कि अज जो खुदा का कलाम दादा एक नक्शा है आसमान की बादशाही च खड़न का कि अज वो चीज़ा साढ़े च पाई जा इस नक्शे च लिखा कि सबर लैके आ है इस नक्शे च दसिया सबर बोलो इस नक्शे च दसिया माफ करना दिखाओ मटीरियल दिखाओ बरकत की बिल्डिंग ताड़ी लाइफ च उदों बनेगी जो इस नक्शे के मुताबिक मटीरियल ताड़े कोल होएगा माफ करना दिखाओ सच बोलना दिखाओ हक दे खड़े रहना दिखाओ अव्वल दर्जा खुदा नूं देना दिखाओ वादे ते कायम रहना दिखाओ है मटीरियल अपनी लाइफ च मैंने कहा दिखाओ है मटीरियल दिखाओ वहाओ इस मटीरियल तो अलावा कभी भी तुसी अपनी लाइफ च बिल्डिंग बरकत की बिल्डिंग बना कभी नहीं बना सकते बरकत की बिल्डिंग अगर तुहाडी लाइफ च यह मटीरियल नहीं जिहड़ा बाइबल दसदी है माफ करना सबर करना बर्दाश्त करना सितान वाले लिए दुआ करना दुश्मन वाले मोहब्बत करना मैं तो जो चर्च प्रे कर खुदा के पाक रू ने एकदम मसद नाल भरिया और मैं बार फरश से तकरीबन डेढ़ का टाइम से मैं घुटने के बल हो के रो रो के उन्होंने नाम लैके प्रे की जिन्ना मेरी लाइफ से सब तो ज़्यादा मैं सताया बिलीव करो जिन्ना मेरी लाइफ से मैं सब तो ज़्यादा सताया मैं रो रो के उन्होंने प्रे कर और जेने मेरे तो सब तो ज़्यादा नफरत करते हैं मैं रो रो के उन्होंने प्रे की कि खुदा तो इन्हों मेरे ना ज़्यादा बधा और ए तेरे बच्चे ते मेरे भरा ने इन्हों शैतान के हथा चो कढ़ एक बाइबल का तरीका है अगर इस नक्शे च लिखा है कि सतान वाले लिए दुआ करना ही तेनों बरकत मिलनी है तो अगर मैं बरकत की बिल्डिंग बनानी है फिर मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने सतान वाले लिए और अगर इस नक्शे च दसिया गया कि तू अपने दुश्मन ना प्यार कर तो फिर इस बरकत की बिल्डिंग नू बना ली
जरूरी है कि मैं अपने दुश्मन के नाल अपनी मानद प्यार मैं अपने एग्रीमेंट को देख रहा सा और उस तो बाद मैं ब्लैसिंग जी देखी अपनी लाइफ च और एक मैं अगर दसन दिया अपने स्पिरिचुअल बच्चों शाहजेबरा कि यार 16 साल च मैं इंज दा अपने अंदर सुकून नहीं देखा जिंज का सुकून मैं इस एग्रीमेंट तो बाद देखा और इस एग्रीमेंट के एक चीज़ लिखी सी मैं कदी लालच नहीं करांगा मैं कदी झूठ नहीं बोलांगा मैं कदी तेरे खादमां के खिलाफ मूँह नहीं खोलांगा और सुकून और प्रे जी मैं तुहानू दस्सिया 17 घंटे प्रे मैं एंड दे जो उठन तो पहले मैं थैंक्स कहना खुदा और थैंक्स किवें कहना कि खुदा तू मैनू टाइम देना है अगर तू मैनू टाइम ना दे तो मैं 5 मिनट भी तेरे पैरों च बह पर मैं तेरा बहुत वड्डा एहसान समझना मेरी लाइफ च मेरे लिए सब तो वड्डी ब्लैसिंग है वे कि तू मैनू इन्ने इन्ने घंटे अपने कदमों च बहन का मौका देना इंज दे लोग भी मैं देखे ने दुआ च बहते नहीं बासियाँ आनिया शुरू हो जाए ने नींद आनी शुरू हो जाती है और कई इस कुड़ियों को सुते रहते हैं समझ आ रही मेरी गल जी सब तो वड्डी ब्लैसिंग की मंगी और साड़ी प्रे कि होंगे खुदा दे भी बरकत दे दे खुदा दे भी बरकत दे दे अच्छा जो तुम सिम ऑन कर दे भाजी ये लाख दस दो या खत्म ही कर दो सुनो जो है हम देखो ए हम हूँ नैटवर्क शो नहीं हो दिया अच्छा हूँ मैं तो तरले करना तेरी मेहरबानी शो जा जोंग टेलीनार शो हो जाए मिन्नत करना शो हो जाए मैं मिन्नत करना शो खुदा शो हो जाए होया नहीं खुदा तरतीब का खुदा है सिंपल तरीका यदि ऑप्शन दे छड़ी उन्हें शो करन दी ए देखो इनू दबाया जोंग टेलीनार शो हो गया और खुदा ने ताड़ी लाइफ से बरकत कदों नजर आन गया जो तुसी खुदा के कलाम प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से लैके आओगे हर चीज़ ताड़ी लाइफ से शो होएगी जमीनी बरकत आसमानी बरकत लोगों को नज़र आन गया ताड़ी लाइफ से बरकत शो होनगियाँ नज़र आन गया वेखणगे लोग ताड़ा अख्तियार नज़र आएगा लोगों को ताड़ी लाइफ समझ आ रही है अख्तियार नज़र आएगा और तुम हर फ्राइडे देखते हो अख्तियार देखते हो अरे तुम इस तो अगला जरा देखोगे मैं बड़ा रोया मैं इंज रख ली बाइबल तो मैं 2 दिन तो मैं इंज ही रो रहा इंज रख के मैं रो ही जाव खुदा दा चीज़ा मेरे च नज़र आन बाइबल कहते लिया जो बहरे कुलजम 2 हिस्सों तो पहलू मूसा ने खुदा अगर दुआ की खुदा ने कहा मूसा तू क्यों मेरे हजूर फरियाद कर रहा है अपना हाथ चुक अपना हाथ इस पानी च मार उन्हें कहा तेन अख्तियार दिता है तू रोन क्यों डे है ना रोना उन्होंने पैदा जिन्होंने पहली गल पता नहीं साड़ी लाइफ से अख्तियार है और जिन्हें कलाम को अपनी लाइफ के ऑन सेम एक्टिव नहीं किया प्रैक्टिकल लाइफ खुदा ने मैं खास 10 बाप ही सिर्फ कढ के मत्ती 10 बाप वो 7 आए तो मैं शुरू करता हाँ और सिर रख के रोना शुरू कर देता ए कलाम बदरुआ निकलन मुड़दे जिंदा हो खुदा ने कहा जो सारा मेरा कलाम मे तेरी जिंदगी चो नज़र आएगा तो फिर जो सारे दे नाल फिर भी नज़र आएगा समझ आ रही और मैं पता है मैं इस चीज़ को समझ गया कि मेरी ब्लैसिंग मेरा खुदा दे नाल राबता सिर्फ उदों ही होएगा जो मेरे अंदर खुदा का कलाम कम करता होएगा तुसी खुदा दे कलाम दे मुताबक जिंदगी अपनी बना लो कम करो खुदा ने एक इन इंज समझो कि जो मैंने एक कम दिता गया एक टारगेट दिता गया मैं उंज का बनना है लोग कुछ भी कहन जो मर्जी कहन चाहे मेरे लिए यकीन गिनिया जावा मैं मैनू ये मुताबक चल दिया लोग जिंज की नज़र ना भी देखन मैं ये तो नहीं हटना फिर देखा जी एडी लाइफ किंज का कम करता मैं जो शुरू तो मैं खिदमत स्टार्ट की थी मैं गीत लिखता हूँ कोर्स दवाइया लिखता हूँ आप और मैं गाने करने शुरू तो क्योंकि पता ही नहीं कभी कई ने हसना करना होया कि गाण डे और एक वक्त आया लोग मीटिंगा सिर्फ मैं गाने बुला देते
वर्शिप, और जब मैं वर्शिप करता हाँ बदरूह वाले पिट दे होंगे सन। अगर मैं पहले टाइम के लोगों को देखता वो है मेरे गां तो हंसते हैं, मेरी आवाज़ सही नहीं, मेरे गां चो नुक्स कढ़ते हैं, तो वो टाइम कभी भी नहीं आना जो मेरे गां के नाल बदरूह टपदियाँ तो रोंदियाँ सन। समझ आ गई, जो लोग उस टाइम के हसन तो तुम अपना वो टाइम वेख के हसो खुश होवो जिहड़ा वो करन तो बाद तुहाडी लाइफ च आना है। कोई लोग सोचते शायद असी गुरबत लई तकिया नहीं पैदा होए, नौ तो अपनी गुरबत नूं खुदा ते छड्ड दे, खुदा तुहाडा वो कम करेगा जिहड़ा तुसीं उहनूं कह के गए हो, जिहड़ा तुसीं उहनूं कह दिता है, कह तेरी जिम्मेदारी है, खुदा तुहाडा वो कम करेगा, जिहड़ा तुसीं आप करन दी कोशिश करोगे कदी वी खुदा वो नहीं करेगा। शागिर्द जदों झील तूफान आया जिन्नी देर और आप गो खुदा खुदा यीशु मसीह की कश्ती हिल रही सी, तूफान एडा सख्त, यीशु मसीह नूं नहीं सी पता, यीशु मसीह नूं पता सी, पर यीशु मसीह ने कहा तुसीं अपना मच्छ मार लवो मैं उहदे करांगा जदों मेरे कोल आवो। जदों उहनां वेख लिया उहनां अपना मच्छ मार लिया, सारा जोर ला लिया, कोई कि ओ इंज करो ओ इंज करो, अपने तो गुमंड कीता, अहीं मछेरे शुरू तो ही शुरू तो समुंदरां च रहे, तुहानूं पता किवें कंट्रोल करनी है, पर जदों देखिया कुछ भी नहीं होया तो जा के यीशु मसीह नूं यार तू सुता तेनों साड़ी फिक्र ही क्यों नहीं, अज भी अभी पहलू आप जोर मारने तो फिर खुदा दे गिला कर, खुदा मैं तेरी बंदी तेन मेरी फिक्र कौन नहीं, खुदा नहीं पहलू आप जोर मारे, आप जोर मार ली हूँ मेरे को आ गई या हूँ मेरे को आ गए। सुनो मैं अपनी लाइफ यह बेवाकूफी कभी नहीं की, मैं पहले दिन तो ही कहना खुदा हूँ कम तेरा है मेरा ना, मैं कभी ऐसी बेवाकूफी नहीं करा, जरा मेरे खुदा का करने वाला है वह मेरा खुदा करेगा, और जिहड़ा मेरे करन वाला है मैं उन्हें पूरी ईमानदारी दे नाल, समझ आंदी मेरी गल दी। तुसी अपनी लाइफ से देखो तुसी अगर खुदा दे नाल चल रहे हो किहड़े काम ने जिहड़े खुदा दे करन वाले ने, कि खुदा दे काम करन वाले ते नहीं तुसी फड़े, ते जिहड़े तुहाडे करन वाले ने शैतान करेगा कि जिहड़ा खुदा दा करन वाला काम है वह अगर खुदा ना करे तो कोई भी बंदा नहीं कर सकता। हुण शैतान करेगा कि खुदा दे काम जिहड़ा खुदा दा करन वाला है उहदे ध्याने तुहानूं ला देगा, तुहानूं उहदे ध्याने ला देगा, ते लै वे बड़ी कोशिश करन डिया घर मेहनत करन डिया घर बन जावे पर घर बनन नहीं डिया। हुण इह काम किहदा है, अगर खुदा दी घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, तुसी अपनी लाइफ से देखो गुरबत खत्म करना मेरा काम नहीं, अपनी लाइफ से दुख खत्म करना मेरा काम नहीं, परेशानी खत्म करना मेरा काम नहीं, बीमारी खत्म करना मेरा काम नहीं, सरफराजी अपनी लाइफ से लैके आना मेरा काम नहीं है, किदा काम है लिया सरफराजी, ना मशरक वालों ना मगरब वालों ना शमाल वालों ना जनूब वालों किदे वालों में मेरा काम की है, उहदी फरमाबरदारी उहदी वफादारी और जो कुछ उहने मैनूं कह दिता है अपने कलाम दे वसीले मैं वो सब करना है, उहदे लई भावें मैं बर्बाद हो जावां भावें मेरी जिंदगी तबाह हो जावे मैं वो करना है, पर इंज हुंदा नहीं कि जो वो कवे ते तुसीं करो ते तुहाडी जिंदगी बर्बाद या तबाह। खुदा खुदा दा इक अपना तरीका है, खुदा तुहाडी लाइफ चेंज करदा है, जिवें इक मास्टर पायलट जो जहाज़ में सीधा इंज लिया जमीन तो इन्ना गुआकार बंदा समझ बस जा दिया एकदम चुकते हुए ना क्या बात है मास्टर है बंदा, सेम ताड़ा खुदा भी इंज करता है, इंज जो सारे लगता होंगे तुम मरण डे हो एकदम चुकद ओ ग्रेट ए खुदा ही कर सकते खुदा ताड़ी लाइफ कुड़ी खुदा ताड़ी लाइफ सेम ऐसे तरह ही करता है। और जी गल मैं तुम दसन दिया सी लाइफ च कोई भी इंज की प्रॉब्लम होवे तड़ा कम नहीं मुड़ के पिछे उस प्रॉब्लम नू देखना, तड़ा कम है सिर्फ खुदा दे नाल वफादार होना और ताड़ी लाइफ च इस प्रॉब्लम नू खत्म करना किदा कम है, ताड़ा नहीं। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करांगा इहदे मतलब सोच के, इहनूं मैं अपने खुदा दे छड्ड देंगा, अगर मैं इहदे मतलब सोचना तो मैं टाइम वेस्ट करना वा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करांगा, मैं रुकांगा नहीं, मैं पिछे नहीं देखांगा,
मेरा काम सिर्फ अगे वधना और ये मुताबक चलना है, खुदा दे कलाम दे मुताबक। मेरी लाइफ च इन खत्म करना किदा काम है? मैं तुहानू बड़ी बार दस चुका अंत की गुरबत मैं अपनी लाइफ च देखी, अंत की गुरबत तुसी सोच भी नहीं सकते, अंत की गुरबत अपनी लाइफ च देखी, पर ओ गुरबत मैनू रोक नहीं सकी, कदी भी नहीं रोक सकी। मेरे दो भाई सन विलियम सरफराज मरीद किसी मैं याद है, वो उन्हें बाइक मैं दो दिन का रोजा रखा, मैं साइकिल तो उन्होंने कोल गया दो दिन का रोजा, दूसरे दिन जो रोजा खोलना सी घर आ गए उन्होंने बड़ा मेरे से तरस जाया, उन्हें कहा यार तुम भाई साहब पता की करो चादर पढ़ो, एक भरा पिछे बैठा उन्हें चादर पढ़ी, नाल मैं साइकिल पर बैठ के चादर पढ़ी, उन्हें कहा असं तुम इंज छे अमन इंज छन आए मरीद क्यों इतने मैं छन आए, उन्हें कहा तुम डिग पोगे साइकिल तुम तो मरीद जाओ और इंज ही जाओगे तो लै जाने। सुनो मैं कभी रुकया नहीं सौ उन्होंने हालातों च भी, और अज बहुत डिफरेंस बहुत चेंज है उन्होंने तो मेरा। रीजन की देखो ना उन्होंने चीज़ा लो, उन्हें सारे कामों खुदा ते छड़ दवो और तुसी ओ करो जो ताड़ा दो ताड़ा खुदा कहता है, तुसी सिर्फ ओ करो। तुसी अपनी लाइफ से देखना है आया मैनू सिग्नल आ रहे नहीं या नहीं, सिग्नल आ रहे नहीं या नहीं। जो सिग्नल आते हैं तो कंपनी के मैसेज भी आते हैं, कंपनी जदों कोई नवी ऑफर देती है नाल ही उस टाइम मोबाइल से आ जाता है ए ऑफर कंपनी लवें, और जिते तुसी नंबर मिलाते हो अगो कंपनी दस दी है मतलूबा नंबर बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद राबता करे जे हाली तुहाडा राबता हो। पर अगर जे तुहानू जवाब ही नहीं आ रहा, कंपनी को कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो यह मतलब तुसी डिसकनैक्ट हो टावर के नालों, तुहाडा राबता नहीं कंपनी के नाल। अगर तुहाडे सिग्नल खुदा दे नाल जा रहे हैं उतों भी सिग्नल आ रहे हैं, राबता है, जिहड़ी प्रे करोगे अगो जवाब आएगा। हाँ बेटा हाली नहीं हो सकता, हाँ बेटी हाली नहीं हो सकता, हाँ तेरी लाइफ से काम इतनी देर बाद होएगा, हाँ यह काम मैं करांगा, हाँ नवी ऑफर मैं तेन नवी बरकत दांगा, सब कुछ तुहानू समझ लगेगी, हर चीज़ की तुहानू समझ लगेगी। पर जे तुहाडा राबता नहीं, चलो दुआ तो करने कदी दे सुनेगा पूरी जिंदगी भी लगे रहो। अगर तुहाडा कनैक्शन ही नहीं ऑफ हो गया टावर के नाल ही नहीं, जोंग दे सिग्नल ही नहीं आ रहे, पूरी जिंदगी भी लगे रहो कभी नंबर नहीं लगेगा। टावर के नज़दीक जाना और सिम नू ऑन करना एक्टिव करना बहुत ही जे वेखांगे गर्मी बड़ी है, हाली सिम ऑफ कर दो, सर्दियों ऑन करांगे तो गर्मियों की गल कि करोगे कि गर्मियों कोई और चीज़ भी है गल करना मेरी गल समझ लग रही है। तुहाडा एक्टिव होना खुदा च बहुत जरूरी है, और देखते रहना सिग्नल पूरे आन, जो असं गल कर जाने थोड़ी जी सिग्नल सही नहीं आ रही, उपर हो जाओ होर उपर हो जाओ होर उपर हो जाओ, यार ताड़ा नैट बड़ी स्पीड से चल रहा, हाँ साढ़े घर के कोल टावर लगा है, असी टावर के कोल हाँ फास्ट फास्ट इंज प्रे करो, इंज खुदा तुहानू दसे फास्ट फास्ट ताड़ी लाइफ से खुदा का कलाम, क्यों कि तुसी टावर के कोल हो, ब्लैसिंग वाले मसाले टावर के कोल हो, समझ आ रही मेरी गल नहीं, समझते हो फिर। तुहाडा खुदा दे कोल कोल रहना बहुत जरूरी है, उहदे नाल नाल रहना बहुत जरूरी है, तुहानू पता है तुहाडे नाल रहण दा किन्ना फायदा है, खुदा दे कोल रहण दा तुहाडे विचों एक स्पिरिचुअल फायर निकलती रहती है। मैं बहुत सारे इंज दे लोगों के कोल गया वा, यह बेटी मारी है जिहड़ी सौंड है, इहनू जरा हिला दो, यह सरगोदे तो आई, इन्हां दे कज़न ने, उन्होंने मेरी बैठी कोई, उन्होंने पूरी लाइफ चेंज हो गई, और कल मैं बेटी कह रही थी मैं बड़ी हैरान हाँ कि वो चेंज किंज हो गए हैं, तुहाडे चो फायर निकलती है जिहड़े अगले की बैड स्पिरिट नूं तबाह ते साड़ के रख छड़दे हैं, और बंदा ओ एकदम जो स्पिरिट सड़ती है डैड हुंदी है उहदी बुराई कराने नूं, ओ मैनूं समझ ही अज लगी मैं करना की और मैं करन की डिया सा, क्यों क्योंकि तुहाडे चो फायर निकले, तुहाडे विचों फायर निकली, वो फायर तुहाडे च कदों आंदी आंदी है जदों तुसी खुदा दे नज़दीक हुंदे हो। कि मिसाल के तौर पर तुसी हुण
चुल्हा चुल्हा मिसाल दो जिसे तुम हांडी बना दो, एक हांडी चुल्हे के उत्ते पई है और एक अंदर पई है, गर्म केड़ी होएगी जड़ी चुल्हे दे? एक दूर आ केला है, चलो कदी तो पकेगी ना, यह कदी भी नहीं पकनी, यह हलाल हो गए तो आप ही सुट देनी है, यह कदी नहीं पकनी क्योंकि चुल्हे के उत्ते नहीं है। सेम ऐसे तरह ही ताड़ी लाइफ दे विच भी कदी वो काम नहीं हो सकते अगर तुम खुदा दे नाल नहीं, रोंग कदी दे होंगे, कदी भी नहीं होंगे, कदी भी नहीं होंगे जिन्नी देर तुम खुदा दे नज़दीक। मैं पता है अज भी कल भी मैं पूरा अपना योर भी लैना 4 साल 5 साल बाद जो फिर भी खुदाई करना है तो मैं अपने 4-5 साल क्यों वेस्ट करा, मैं अपने खुदा ते काम सोचना। उंगल साइड दे करो गुम्बाई फल लो, देखो माइक डिग पे नाल देख, मेरी गल समझ आन डी बच्चों? समझ आन डी? तुम अपनी लाइफ से की चेक करना है कि वह कनैक्शन साढ़े अंदर काम करे। प्रैक्टिकल जो होगा कदों? जदों। और प्रैक्टिकल की है उन्हें की क्या? अपनी सलीब चुक के, और सलीब की है ताड़ी सलीब च की है? सुनाओ मैं जिस तरह तुम्हें पहले दसिया जी ए सलीब है, अगर तुम ये चुक के यीशु मसीह के पिछे तुर दे तो कोई भी ताड़े को हमेशा जिंदगी खो नहीं सकता। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम खुदा ने कहा मैं तेरे नाल रहांगा। वो जिंदगी जी कदी कदी भी खत्म नहीं हो सकती, कदी भी खत्म हो। अज तो बाद जेन च रख लेना शैतान जिन्ना मर्जी तुम जेनी दबाव दे कि तेरे लाइफ चेंज होन दिया, तेरी लाइफ चेंज होन दिया, इस तरह होन दिया, इंज क्यों होन दिया, पहले इंज सा हूँ क्यों इंज, पलट के ना देखो, सिर्फ अपने खुदा नूं देखो। इको ही जेन च रखो मैं अगे वधना है, मैं अगे जाना है, और सब तो पहले और सब तो ज़्यादा दबाव उन्होंने लोगों लिए करो जी ताड़ी लाइफ से तुम लगता है तुम सता डे, क्योंकि उन्होंने दुआ करना बरकत तू ही, उन्होंने दुआ कर बरकत तू ही मिलनी है। ताड़ी लाइफ से जी बरकत तुम उन्होंने मंगनी है अगर तो समझ उस गलू तो बरकत उन्होंने लाइफ से, पर अगर नहीं समझते बाइबल कहते लिया जो तू किसी के घर जाना है किवें ताड़ी दुआ अगले तो काम कर दी और ताड़ी लाइफ से किवें काम कर दी लिखा अगर तू किसी के घर जाना है उस दुआई खैर मंग अगर तू तेन कबूल करे तो बरकत नहीं तो दुआई खैर वापस तेरे ते ही। सेम ऐसे तरह ही जो तुम अपने सतान वाले लिए दुआ करते हो तो समझ आता कि नहीं यार मेरा दुश्मन नहीं मेरा भरा है फिर तो उन्होंने दुआ लगी, पर अगर ताड़े दुआ करने तो बाद भी ताड़े ना उन्होंने रवैया रखता है तो बरकत दोबारा वापस कितने आएगी? ताड़ा बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर ताड़ी फैमिली कोई बीमार हो जाता है कोशिश करो भी पिछों ना देखे शैतानों को, नो इन्हू मैं पिछे नहीं देख दाँगा अगे ही जाएगा, उन्होंने दलेर करो खुदा दे कलाम चो रेफरेंस दे दे के एग्जैम्पल दे दे के उन्होंने दसो खुदा यह कर सकता है, खुदा ने इंज किया अज भी उ खुदा है, खुदा बीमारियाँ खत्म कर सकता है, खुदा गुरबत खत्म कर सकता है, खुदा बेरोजगारी खत्म कर सकता है, खुदा सब कुछ कर दसो। ए नहीं कि ताड़ा फैमिली का एक मैंबर कमजोर है और रो रहा अपनी गुरबत नू देख के और तुसी भी वो नाल बह कर अच्छा चल कौन नहीं मैनू भी टेंशन है पर मैं कदी रोई ओ तसली देखो टेंशन मैनू भी है पर मैं कदी रोई ओ नो हूँ दलेर करो उन्होंने कहा असं इस दिन ले ली असं अच्छे दिन बुलाए गए हैं और एक वक्त आएगा कि मेरा खुदा जो कुछ मेरे लिए तैयार कर रहा है उसे अपनी लाइफ से देखांगे और खुदा च रह के इंजॉय करांगे तुसी भी देखोगे। बचो फ्री माइंड हो के सी खुदा दे नाल चलना है की हो गए फ्री माइंड इदू यीशु मसीह ने कहा फिक्र नहीं फिक्रा मीन के इन्हां सारियां नूं फड़ो लवेटो ते खुदा नूं जाके फड़ा दो लो जी ए तुहाडा काम है तुसी जानो ते ए जानो मैं वो जा रहा जो तुहाडे पिछे पिछे
ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਦੇ ਫੜੋ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟ ਦੋ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਰੂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਪੁਸ਼ਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਚਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਪਟਿਸਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ECG ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਣ ਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਭੇਜੋ ਸਾੜ ਦਿਓ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੱਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਆ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਗ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕਹੋ ਤੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਵੇਖੇਗਾ ਹੈ ਵੇਖੇਗਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ 8-10 ਮਰੇ ਨੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਟਿੱਕ ਟਿੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇਦੂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਟੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਇੰਜ ਖਲੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਏ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੌਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦੂ ਥੱਲੇ ਸਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਬਕਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਸੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਾਇਰ ਵਧਾ ਛੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡੇਲੀ 1 ਘੰਟਾ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਕਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਵੋ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਏਗੇ ਨਾ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਏਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ
कपड़े जाके वो दुकान के कपड़े ले भाजी कपड़े बेचोगे, बेचने वास्ते रखे ने, हसेगा कि नहीं, उन्हें कहदे वास्ते रखे ने, बेचने वास्ते, वो तुहानू कहेगा हुण जिहड़ी ना खुदा को बरकत ने उन्हें किन्ने वास्ते रखिया ने, हुण तुसीं उहदे साडे लई नहीं तो देंदा क्यों नहीं सुनाओ। हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ की कीमत दी जाती है। मिसाल दे तौर पिछले दिनों मैनू खुदा ने गल दसी, जदों भी तुसी कोई चीज़ खुदा को मांगते हो, जे अगर तुसी अपने आप को उस चीज़ लिए तैयार नहीं किया, उस बरकत लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, या उस बरकत लिए मेहनत नहीं की, वो बरकत कभी भी तुहानू नहीं मिलेगी। मैं बड़ा सोचता हूँ ना, 6 घंटे प्रे करके खुदा लंगड़े चलन मुर्दे जिंदा हो, मैं सखर गया, मैं जाके एक व्हील चेयर तो बीबी बैठी, मैं क्या यसू तेरे ना तो हूने बीबी चले, दैन क्या प्रे कि नहीं मैं नाल के मैं इन बाजी में सैड कर लो, नैक्सट मैं आवाँगे चलेगी, क्योंकि मैं पता सी हूँ मैं करना की है चलेगी कि। और जो पास्टर्स नू तुसी देखते हो, जिन्हें पास्टर्स नू तुसी देखते हो उन्हां दी प्रे दा के देखो 20-20 घंटे 40-40 दिन पहाड़ा च जंगलों च गारा च जाके प्रे करते हैं, और जो आते हैं इंज क्रूसड इंज ग्राउंड भरे होंगे ने बदरूह वाले पिटते तो चीकते हैं बगैर प्रे कर। कीमत अपने आप को तैयार करो, वो यीशु मसीह चाहता तो शागिर्दां पहले दिन भी इख्तियार दे सकता सी, जिदन पहले दिन पतरस नूं कहा अज तो बाद तू आदमगीर बनेगा, उदा नहीं उन्होंने इख्तियार दे सकता है, जिदन मत्ती नूं मसूल लैण वाली चुंगी तो चुकिया उदा नहीं इख्तियार दे सकता है, पर नहीं दिते 33 साल ना रहे इख्तियार दिता, और 3.5 साल शागिर्द ना रहे ना यीशु मसीह दे नाल दिता इख्तियार, क्यों पहले उन्होंने को की करवाईए, मेहनत करवाई, उन्होंने तैयार किया वो फिर जाके उन्होंने इख्तियार दिता है। कि तुसी तैयार हो खुदा दे नाल रह के कुछ तजर्बे किए? मिसाल के तौर पर हुण हरून दे कोल 8 गड्डी होवे, और अरुण पता कि मैं गड्डी चला नहीं सकता, और मैं जाके अरुण कहना मेरी विश है मैं तेरी गड्डी चलावा, मैनू गड्डी दे दे, तेरी मिन्नत करना तेरे पैरों से जुकरा मैं गड्डी दे दे। अरुण V8 की चाबी फड़ाओगे? मैं पिटा भी या नहीं फड़ाएगा, क्योंकि उन्होंने पता है मैं जाच क्यों नहीं, गड्डी भी ठोकेगा तो नाल किसी होर भी सेम ऐसे तरह ताड़ा खुदा तैनू क्यों नहीं ब्लैसिंग देता? ताड़े मंगने तो बाद भी तुम सोचते मैं इन्नी फास्टिंग की खुदा ने मैं ब्लैसिंग क्यों नहीं दी? तैयार करो अपने आप को उस ब्लैसिंग लिए, क्योंकि ब्लैसिंग की गड्डी चलाने लिए तुम माफ़ करना, बर्दाश्त करना, सबर करना, दुश्मनों ना मुहब्बत करना, यह सीखना बहुत जरूरी है, यह सीखना बहुत जरूरी है। अगर तुम यह नहीं सीखते तो फिर हों की गड्डी ठोकती कि उंजा खुदा का बंदा सबर तो जरा भी नहीं है, उंजा खुदा का बंदा लड़ाइयाँ रज के लेंदा, तुम ठोकते हो पे उन्होंने लोगों में, और नाम कि बदनाम हो रहा है ना, कि बदनाम हो रहा है समझा नहीं मेरी गल। तुहाडा मैनू सीखना बहुत जरूरी है, तुहानू पता होना चाहिए जिहड़ी बरकत मैं दां बरकत कादे लई दित्ती जांदी है, खुदा दे नां नूं जलाल देण लई मैनू खुदा बरकत दिंदा ताकि मैं उहदे नां नूं जलाल मिले। अगर तुहानू वी खुदा बरकत दिंदा कादे लई उहदे नां नूं? हुण मैं बरकत लैण तों बाद लालच करना, और लोग कहें बड़ा लालची पा रही है तो जलाल मिलन डे है मैं क्या जलाल मिलन डे है? मैं बड़े झूठ बोलना बरकत मिलने तो बाद जलाल मिलन डे कदों? मैं हूँ चूड़ियाँ तो जुटिया वा बरकत लैन तो बाद जलाल मिलन डे जलाल कदों मिलेगा? कदों मिलेगा बाजी, वह कदों मिलेगा? जो खुदा दे कलाम दे मुताबक असी सुनो रहेगा, तेरे दुश्मन एक राह च होणगे ते 7-7 तो नट के वापस, तेरा 1000 एक साइड ते 10000 एक साइड ते। सुनो इस दौर च साढ़ा सब तो वड्डा दुश्मन कौन है? कौन? अबलीस। तो जे असी खुदा च होवांगे आएगा तो एक रात उहदे नठे दा ते उहदे मौकल एक टाइम च 11000 मौकल उहदा फिनिश खत्म।
1000 एक साइड दे, 10000 एक साइड दे, प्याए बिलीव करो जो मैं रानू प्रे कर रहा। मैं नहीं किया, मैं फायर भेजना मेरे सारे मोकलों के सही। मैं देखा एकदम मैं जो मैं फ्रैश हो गया रात में, इतने 2 बजे दौरान बिल्कुल सन्नाटा होंगे, कोई भी नींद रात दाड़ी। मामा कह दिया कहते इन्ने सन्नाटे के प्रे कर बिल्कुल, और बाद बात मेरे अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश, इतों यह चीज़ निकल होनी है। मैं ना निकल आया, मैं वो वेट कर दिया, मैं वो सदके आया कड वेट कर दिया, मैं इदू ही रात में निकलिया वो सदका कड, मैं वो सदके आया। तो जी हम प्रे कर लाइट बंद हो गई अंदर बैठे हो, शैतान कहेगा ऐ नुक्कड़ चो कोई चीज़ निकल होनी है। अच्छा मैं छत जा प्रे कर ला, पुत्र अंदर क्यों है? नहीं मैं ऐसी गर्मी बनी अंडर कि जी शैतान ने गल कर छड़ी। समझ आन डी मेरी गल? नहीं समझ आन डी? नो असी अगे वधने और खुदा दे नाल कनैक्शन साडा इंज रहे इंज, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं बनी जिन्हों जी मनू मेरे खुदा दे नाल चलन तो। पर उस ने कहा हुण मौत भी मनू मेरे खुदा तो जुदा कर, साड़ी लाइफ भी इंज ही होना चाहिए। निकिया निकिया गल्ला शैतान साढ़े को करवाता है, तुसी फोन तो झूठ बोल दो, कितने हो मैं बस आ गया, चल कह दे आ कड़ा गुना है, कौन कहता है नहीं गुना, कौन कहता है नहीं गुना, कौन कहता है? अगर खुदा दे कलाम पूरा करते हैं ताड़ा 10 लाख का भी नुकसान होता है, ताड़ी वाइफ छोड़ती है, ताड़ी माँ छोड़ती है, ताड़ा भरा छोड़ता है, ताड़े बच्चे छोड़ते हैं, बाइबल दस दिए, बाइबल दस दिए, जिहड़ा इन्हां मेरे तो ज़्यादा अजीज रखता मेरे लायक छुट जन। पर मैं वो करांगा जो मैनू खुदा दा कलाम हो, मैं कभी खुदा दे कलाम तो पिछे नहीं हटांगा कुछ भी हो जाए। बाद लोग थोड़ी देर लिए मैं पिछले फ्राइडे एक बंदा आया, उन्हें कहा सर फस्ट टाइम असं अपना 10वां कढ़ना शुरू किया है, और जो उन्हें 10वां कढ़ना शुरू किया हाथ थले थले ही जाई जान डे। और वे की सोच रहा हम खुदा इन्हों देख रहा है कि जोड़ा दे रहे हैं किन्नी देर तक देंगे ने, बिलीव करते हैं कि नहीं करते। इब्राहिम को खुदा ने कहा चल तेन एक वड्डी कौम बनावांगा, चली जा रहा सोचता तो क्या वड्डी कौम बननी है, वो काका शाका चक्कर ही कौन बनना वड्डी कौम है। खैर एक दिन खुदा ने कहा इब्राहिम मैं तेन बड़ा बताना है, मैं खुदा ने कहा मैं तेरी सिपर मैं तो राजा रहा मैं तेन बतावगा। और जोड़ा थोड़ा 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 गुस्सा अंदर होंदा ही ना, एक दिन इंज फट गया कड ही दिता ने, का दी सिपर का दाजर का दा बस जोड़ा है वो रह दे। बड़ी देर तो सुनता आन डा वा जोड़ा है वे इस्माइल ही तेरे हजूर जिंदा रहे, बाकी गल छड़ दे भाई कैमरे तो उंगल साइड दिखा। मेरी गल समझ आन डी? हिल गया एक बारी वो भी, हुण सुनो मजे की गल, हिलिया वो पहली बारी, बस गुआ असं भी हिल जाने, पर जो हिलन तो बाद उही चीज़ साड़ी लाइफ हो फिर सूँ दोबारा नहीं हिलना चाहिए। उ बेटा जिदे सदका वह लड़िया खुदा दे नाल गुस्से च होया सी, उही बेटे जो खुदा ने कुरबान करन दा कह दिता ना तो हिलिया नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता सी अगे एक बार हिल के वेखे, अगे मैं सोचता हाँ जो उन्हें दे छड़िया तो हूँ भी करा, जो उन्हें कहना है कौमां पैदा हो गया और इजहाक च ही हो गया, यदि सवार भी कट्ठिया करके दोबारा इन जिंदा करेगा, मेरा काम साड़ना है जिंदा करना वह काम। कभी भी ना हिलो, ताड़ी लाइफ हालात जिंज दे भी हो जिस तरह के भी हो, जो तुम खुदा ने कह छड़िया है। मिसाल के तौर पर मट्टी चुकी आटा को नहीं, खुदा तुम कहना मैं तुम गड्डिया का मालिक बनाना है, शैतान आएगा ताड़े को वो आटा है कोई गड्डिया का मालक, ए गल ना शैतान लो होएगी खदा लो नहीं ना ए नहीं कि खुदा ने तुम इधरों क्या अज रात तुम खुदा ने खा बहाइए, ए जुमे रात तक तुम खुदा ने क्या
ते अगली जुमेरात तड़ी लाइफ जी सब कुछ आ जाना है नौ हुण जदों दिन पाए जाते हैं ना दस्या जाता है फलां नूं शादी क्यों महीना डेढ़ दो महीना पाया जाता है कि भाई तुसीं अपना सारा इंतजाम कर लो हुण असीं टुकण आउणा जी या हुण की होना है क्यों रिश्तेदारों को पहले दस्या जाता है कि भाई इस तरीके से शादी है ताकि उस शादी से जो कुछ उन्हें वरतना वह इंतजाम खुदा भी जो तुम पहले दसदा है वो इदू ही दसदा है कि तुम हम मैं बरकत देनी है इस बरकत लिए अपने आप की कर लो ए नहीं कि तुम बस पूरे महल्ले रिश्तेदारों को फोन कर करके सिर्फ दसो नहीं नहीं मैं खुदा ने मैं खा वेखी पार्टी ने दसा खुदा ने आ दिन सिर्फ दसन तो मेहनत करो बाकी काम तो और अक्सरियत चेंज ही हो रहा है अगर किसी खादम ने नबूत कर छड़ी है कि तेरी लाइफ से खुदा ने तेन यह देना है उन्हें सिर्फ वो मैसेज अगे पहुँचाने वाली मेहनत करनी है उन्होंने फलां खादम ने यह क्या तेरी लाइफ से आना बाकी ना प्रे वाली मेहनत ना फास्टिंग वाली मेहनत ना अमली जिंदगी वाली मेहनत और वो खिलाफ तेरी लाइफ से नहीं पूरा आएगा कभी कभी भी वो खिलाफ तेरी लाइफ से पूरा नहीं होगा मैं जो पास्टर्स ने दसिया कि तेरी लाइफ से तेरी खिदमत टीम होनगिया इंटरनेशनल लैवल से तेरा काम होएगा बिलीव करो उदो चंद लोग मेरे नाल सन चंद लोग और उदो मेरी शादी तो थोड़े दिन बाद असं इस्लामाबाद प्रोग्राम करेंगे उत्थे एक पास्टर ने कहा एक दो पास्टर्स ने होर कहा और मेरी शादी में तकरीबन कोई 5.5-6 साल हो गए ने और उस चीज़ में मैं सीरीयस से लिया लेकिन जिस तरह उन्हें मुताबक मेहनत करनी चाहिए सी मैं वो नहीं की और फिर जो मैं समझ लगी उदो मैं फास्टिंग करता सा तो मेरी सिर दर्द होना शुरू हो जाती है सिर्फ मैं फ्राइडे की करता वो भी बड़ी औखी करता हूँ फिर जो मैं समझ लग गई ए दिन मैं छत पर बैठा और मुकाशवा के लिखा कि खौफ ना खा बेदल मैं तेरा खुदा वा मैं समझ लग गई कि हूँ मैं डरना नहीं मेरा सिर फट भी जाए मैं मर भी जावा मैं फासिंग नहीं छड़नी क्यों क्योंकि जो मेरे मुतलक बोलिया गया मैं वो लिए अपने आप को तैयार करना और मैं उस दिन तो फास्टिंग चवा अज तक और प्रेच और उंज ही सीन हो रहे हैं जिन खादमा ने दसी सन अगर मैं प्रे मिस कर देंदा फास्टिंग ना करता और इसे उम्मीद देता खुदा दे खादमा कह दिता झूठ कहते हैं इंज होना ही होना खुदा ने कह दिता हूँ होना ही होना पर खुदा वो मुताबिक तुम वेंदा भी यही कहना उन्हें कहा मैं तो चाहना कि तू तो तेरा घराना सदा कहानत करो पर हूँ है गल मेरे तो दूर हम नहीं क्योंकि तू अपने आप को मुताबक बनाया तू अपने आप को मुताबक बनाया नहीं ताड़ा अपने आप को मुताबक बनाना बहुत जरूरी है जिहड़ी ताड़े ते नबूवत हुंदी है या जिहड़ी तुसी रोया देखदे हो जिहड़ा ख्वाब देखदे हो उहदे मुताबक अगर तुसी नहीं तो रोया ख्वाब ताड़ी लाइफ से कदी भी पूरा और अज मैं तुहानू सारयां नू दसना कि अगर तुसी मेरे नाल हो तो तुसी बहुत वधन लई और बहुत कुछ अपनी लाइफ से रिसीव करन लई तुसी मेरे नाल हो पर करेगा उही जिहड़ा इन्हां लफ्ज़ां नू सुनन तो बाद अपने आप नू उंजदा बनाएगा मैं तुहानू सच दस रहा ताड़े चों कोई भी एवें नहीं बैठा इत्थे एक भी एवें नहीं बैठा हर लिहाज ना तुसी अगे जाओगे आने वाले सालों चर तुसी देखोगे जिन्हें तुसी बैठे हो लिख लो मेरी अज दी गल ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है जिन्हें तुसी सुनते हो पे जेडे ऑनलाइन भी सुन दे अगर तुसी खुदा दे कलाम के मुताबक होवो अज दी मेरी गल लिख लो 2030 तक तुसी अपनी ग्रेस देखिया जी हर लिहाज ना दुनियावी बरकता भी जिस्मानी बरकता भी पर शर्ते झूठ लालच हसद तफिरका नौ किसे वाल नहीं देखना जस्ट कि वाल देखना है जस्ट अपने खुदा वाल देखना है और किसे वाल भी देखना तड़ी लाइफ चो हर हर गल पूरी होगी हर एक चीज़ पूरी होगी जो जो मेरे मुँह चो निकली बस परेशान ने नबूवत की मेरी जिंदगी च पूरी नहीं हुई तो नबूवत करने तो बाद खुदा दे नाल कितना कुछ संसेर रहा मैं अगे भी तुम दस नबूवत सिर्फ निशान दई है कि भाई तेरे लिए खुदा दे कोल चीज़ पई है मोबाइल तेरा पिया है खुदा खुदा दे कोल हुण अगों लैना किवें है ताडे ही सिर दर्द समझ आ नहीं अमीन
अज तो बाद की करना कितने रखना है खुदा के कलाम और अंदर रखने तो बाद की करना उन्होंने फ्लाइट मूड पर नहीं लाना की करना है फ्लाइट मूड पर नहीं लाना फ्लाइट मूड पर कदों लगता है जो अंबल जो अंबली नहीं होना तो कितने लग जाना है फ्लाइट मूड पर लग गया तो कोई भी सिग्नल नो वीडियो कॉल नो ऑडियो कॉल नो मैसेज नो वॉइस मैसेज कुछ भी आप ही कल्पदे रहना हैलो 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 अपने गला बना जे भावें चार चार घंटे करते हो अगों आवाज़ उदों ही होनी है जो फ्लाइट मूड पर नहीं होना तो सिग्नल फुल होने आई मीन खड़े होवांगे सारे।